अजीब बात है, एक प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती हैं, उन्हें ही टीजिंग का शिकार होना पड़ता है। स्टूडेंट शरारत करते हैं, लेकिन ये कैसी शरारत थी जो एक औरत, वो भी शिक्षिका के सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं मनोज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में कई जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां देश के कोने कोने से नौजवान पढ़ने के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। ये भी एक ऐसा ही कॉलेज था जहां पे दिव्या शर्मा पढ़ाती थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कम उम्र के नए प्रोफेसर्स को अपने करियर की शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स उन्हें अपने मजाक का निशाना बनाते हैं, लेकिन इस मजाक की हद कहां है? क्या वो सिर्फ शरारत थी या उसका संबंध किसी गंभीर घटना से था? यही सब जानने के लिए आइए चलते हैं दिव्या शर्मा के अतीत में कुछ घटनाओं के साथ। ओके स्टूडेंट्स, श्वास प्रणाली मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर किसी को कोई सवाल करना है? नो मैम। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रजनन प्रणाली मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैम वन क्वेश्चन। बोलो। मैम ये पेड़ पौधे कैसे प्रजनन करते होंगे? इनके पास तो हमारी तरह कोई साधन भी नहीं होता। यही वजह है कि वो लोग हमसे सुरक्षित हैं। कभी सुना है किसी पेड़ ने दूसरे पेड़ के साथ बदतमीजी की हो? तुम लोगों के ऐसे रवैये उन्हें बढ़ावा देते हैं। माना गलती हमेशा हमारी नहीं होती, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें बढ़ावा दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को एहसास हुआ मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं जानती हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स पर स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और बड़ी नेचुरल सी बात है, पर उसे अश्लीलता की हद तक ले जाना ओछी सोच की निशानी है। तुम लोग इंटरनेट के जमाने के हो, अगर कोई डाउट है तो उसे इंटरनेट पर सर्च करके क्लियर कर लो। लड़कियों के सामने अश्लील सवाल करने से तो अच्छा है कि अपने डाउट इंटरनेट पर सर्च करो। लेकिन मैम अगर ऐसा ही है तो आजकल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की क्या वजह है? ये किसी किसी इंसान की ज़हनियत, उनके माइंडसेट की बात है। अगर किसी की सोच ऐसी है तो हम लोग कुछ कर। आए जाने मन, तुम अकेले अकेले कहाँ चलती? आओ मेरी बाइक में बैठ जाओ। अच्छा ये बात है, दिन दहाड़े कॉलेज के सामने एक अमीर बाप के साहबजादे ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की, इस यकीन के साथ कि उनके इस हरकत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनके बाप मंत्री थे। कुछ लोग दिल्ली में इसी गलतफहमी में जीते हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक था। सोचिए, हमारे आपके घर की बेटियां बाहर जाती हैं काम करने और पढ़ने, ताकि अपना नाम कर सकें, जमाने के साथ कदम मिला के चल सकें। लेकिन कुछ लोग हैं जो न तो आगे बढ़ना चाहते हैं और न तो किसी को बढ़ने देना चाहते हैं। क्या ये हादसा किसी और बड़े हादसे की दस्तक थी? क्या होने वाला था? पापा खाने का टाइम हो गया है। पापा आज माँ की बरसी है,
मैंने गार्ड से बोल दिया है कि आसपास के गरीब बच्चों को बुला लाए। मैंने सबके लिए खाना बनाया है। तूने कुछ खाया? पापा, मैं खा लूंगी पापा, पहले आप खाइए। बस बेटा, भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? डॉक्टर ने आपके सामने कहा था ना कि टाइम पे खाना है और सही खाना है, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी पापा। मैं सच कहता हूँ बेटा, बिल्कुल भूख नहीं है। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, बस तीन निवाले, एक मेरा, एक पापा का और एक माँ का। पता है बेटा, तेरे रूप में मेरी माँ लौट के आई है। पापा, अब अगर आप रोज बच्चों की तरह जिद करेंगे तो मुझे तो माँ बनना ही होगा। और वैसे भी कहते हैं ना पापा कि बेटियां बड़ी होकर माँ जैसी ही बन जाती हैं। ये सच है कि मेल्स और फीमेल्स में शारीरिक बनावट में कुछ बुनियादी फर्क है, इसलिए आम तौर पर लड़के लड़कियों से ज्यादा बलवान होते हैं। बस यही तो लड़कियां नहीं समझती मैम, आ जाती है हमसे स्पोर्ट्स में पंगा लेने। बस फिर शुरू हो गए। देखिए ना मैम, हमेशा यही जताने की कोशिश करते रहते हैं कि ये लड़के स्पोर्ट्स में हमसे बेहतर है। ये तो गलत बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स में सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं होती है, स्किल्स भी चाहिए होती है। और आजकल तो हर स्पोर्ट में लड़कियां लड़कों को बराबर टक्कर देती है। अरे ये सब तो किताबी बात है, दम है तो साबित करके दिखाओ। हो जाए मुकाबला, हो जाए मुकाबला। कौन सा खेल? बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। ओके ओके ओके, बॉयज की टीम में से कौन कौन खेलेगा और गर्ल्स? अरे इनकी तो टीम भी पूरी नहीं है। मैम आप हमारी तरफ से खेलिए ना। मैं? यस मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। ओके ओके ओके, आज कॉलेज खत्म होने के बाद बास्केटबॉल कोर्ट। ओके, यस। डॉक्टर, आई होप कुछ सीरियस नहीं है। नो नो, नथिंग टू वरी, छोटा सा फ्रैक्चर है, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, ओ 8 बज गए हैं, मुझे लगता है अब हम सबको घर जाना चाहिए। मुझे भी घर जाना होगा, पापा की दवाई का टाइम हो गया है। मैम हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मेरी फिक्र मत करो, मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही है। घर पहुंचते ही मुझे याद से मैसेज कर देना। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, साड़ी वाली। मैडम जी कहाँ जाना है? अच्छा नहीं होगा भाई, लक्ष्मी बाई की भांजी लगी है तो बस में धक्के खा के मानेगी। चल भाई, चल चल चल।
इंस्पेक्टर साहब जी बैठिए। थैंक यू। मुझे मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अभी अभी दो लड़कों ने करोल बाग बस स्टॉप पर मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और रेप हो गया। जी नहीं, पर बदसुलूकी की उन लोगों ने, चलती गाड़ी से फेंक दिया मुझे। मतलब ईव टीजिंग, छेड़छाड़ किया, रेप तो नहीं किया, फिर क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ रही हो? जाने दो। क्या मतलब, रेप करते फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती मैं यहाँ? अरे मैडम इतना क्यों भड़क रहे हो? अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो इतनी देर रात गए यहाँ वहाँ क्यों आते जाते हो? मुझे कहाँ आना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए इसकी इजाजत मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ FIR दर्ज करवाने आई और आप FIR दर्ज कीजिए, ये मेरा हक है। आप बैठिए दुरु, बैठिए। हाँ पापा। हाँ कहाँ रह गई बेटा? पापा मेरे साथ दो लड़कों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ इस वक्त। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। देखो ये सब रहने दो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मत पड़ो इन चक्करों में। क्या पापा आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं पापा, अगर आज मैं चुप रही तो उन कमीनों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, उन्हें सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। पापा पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे उस गाड़ी का नंबर याद है। आप ऐसे कीजिए, अपना नाम पता और गाड़ी का नंबर इस तरफ लिख दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिएगा। ठीक, ये लीजिए आपकी FIR। प्लीज जल्द से जल्द पता लगाइए किसकी गाड़ी थी और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर अनुज भटनागर बोल रहा हूँ। एक नंबर लिखिए DL4CAE 3703, जरा पता लगाइए किसकी है। मैं होल्ड पर हूँ। सर ये तो मंत्री जी की बेटी की गाड़ी है। भाई गुड भाई, मजा आ गया। अबे खाकी इतनी रात गए यहाँ कैसे? बस मैं ऐसे इधर से निकल रहा था कि नमस्ते मंत्री जी, नमस्ते। कैसे आना हुआ? अरे नहीं मालिक, वो मैंने आपसे अकेले में कुछ बात कर दी थी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जो बकना जल्दी बको और चलते बनो। अरे मालिक रात को आपके बच्चे शायद घूमने के लिए निकले थे, शायद मजाक मस्ती में एक लड़की को छेड़ दिया। तो मालिक उस लड़की ने FIR लिखवा दिया है और उसने गाड़ी का नंबर भी देख लिया है। उसने लिखवाया और तुमने लिख दिया, एक लड़की नहीं संभलती तुमसे। मालिक मुझे पता नहीं था कि आपकी गाड़ी है, इसीलिए। अब जाओ रफा दफा करो मसले को, देश के इतने सारे मसलों के बोझ वैसे ही मेरे सर पे हैं, इस मसले को भी मैं सुलझाऊंगा क्या? जाओ। ठीक है मालिक, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो जी मालिक, अभी मत जाना। आजकल इस मीडिया की वजह से ऐरे गहरे लोग भी समझते हैं कि वो हीरो बन जाएंगे। कल सुबह जाना, कल सुबह तक शायद लड़की का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है मालिक, ठीक है मालिक। दिव्या शर्मा ने अपने साथ हुई बदसलूकी की रिपोर्ट करके बिल्कुल सही किया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर का रवैया हैरान करने वाला था। दरअसल रवि और मनीष अपने बाप की ऊंची हैसियत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर दबाव में था। ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ पावरफुल लोग ईमानदार अफसर को काम नहीं करने देते, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। चाहे वो कितनी भी ऊंची हैसियत का व्यक्ति हो, अगर वो या उसका रिश्तेदार अपनी हदें पार करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल जरूरी है, जो कि दिव्या शर्मा ने किया। शर्मा जी आप तो समझदार हैं, ऊंची सभी जानते हैं। पापा नमस्ते। दिव्या जी नमस्ते। आप जी कुछ पता चला किसकी गाड़ी थी? जी हाँ पता चला, इसीलिए आपके पापा को समझा रहा था।
कि आपको ये केस वापस ले लेना चाहिए। जी? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती। किसके बच्चे हैं? एमएलए दिनेश मिश्रा के बेटे थे। और मैं आप ही की भलाई के बारे में कह रहा हूँ। मैंने मंत्री से ही बात कर ली है, वो भी इस केस को रफा दफा करने के लिए तैयार हैं। क्या? बदतमीजी वो करे और केस भी रफा दफा वो ही करे। दिव्या जी, क्यों इतनी सी बात को तूल दे रही हो? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है। और आप मेरी बात गौर से सुनिए, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। उन क्रिमिनल की पैरवी करना बंद कीजिए और एक्शन लीजिए, ड्यूटी निभाइए अपनी। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपकी भलाई के बारे में ही सोच रहा था। अगर आपको शौक है ऐसी हालत में अपने पापा को छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का, तो यही सही। मैं तो चलता हूँ, नमस्ते। मैम, कल कुछ हुआ था क्या आपके साथ? क्यों, तुम्हें कैसे पता कि कल कुछ हुआ था? न्यूज़पेपर में छपा है। नहीं मैम, एक्चुअली प्रिंसिपल सर दो बार आपके बारे में पूछ के गए, फिर प्यून से पता चला कि दिव्या मैम आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? ओह यस यस दिव्या, प्लीज कम। अब कैसे हो दिव्या? अब मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे साथ कल जो हादसा हुआ था उसकी पूरी खबर मुझ तक पहुंच चुकी है। और देखो, यहाँ मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार लड़की हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी तो हैं। तुम्हारे बीमार फादर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा कैरियर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों इन बेकार के चक्करों में पड़ रही हो। कौन से चक्करों में सर? अरे वो दो बच्चे हैं ना अपने, रवि और मनीष, उसी कॉलेज के दो स्टूडेंट हैं। बच्चे? अब माना कि वो उम्र में तकरीबन तुम्हारी बराबर के हैं, लेकिन हैं तो इस कॉलेज के स्टूडेंट ही। अब वो स्टूडेंट्स लीडर हैं, एक एमएलए का बेटा है और दूसरा भतीजा है। कल रात से मेरे पास चार कॉलेज के ट्रस्टीज के फोन आ चुके हैं और बार बार मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से तुम्हें रोकूं इस केस को आगे बढ़ाने से। अब तुम खुद ही सोचो, कल को तुम ये केस बढ़ाओगी तो पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी, कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने की कोशिश करने के लिए। पर मैं जिस भी हैसियत से सोच रही हूँ, मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है कि मुझे उन दोनों को सजा दिलवानी है। तुम्हें नहीं मालूम दिव्या कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगी। जिस मुसीबत से गुजर चुकी हूँ उससे बुरा और क्या होगा सर? नहीं सर, अगर आज मैं चुप हो गई तो उन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी और फिर न जाने और कितनी लड़कियों को वो अपना शिकार बनाएंगे। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी सर। सर बात को समझ रहे हैं ना? अब देखिए, ये थोड़ी बहुत छेड़ाखानी तो हर जगह चलती रहती है, और एक बात तो आप भी मानेंगे कि लड़कियां चाहे जितना भी हो हल्ला मचा ले, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी ये सब अच्छा लगता है सर। वरना आप खुद सोचिए, अगर इनको कोई ना छेड़े तो खुद ही आईने के सामने खड़ी होकर परेशान हो जाए अपना चेहरा देख देख के कि अरे सब ठीक ठाक तो है, कोई हमें देख क्यों नहीं रहा, हमें कोई छेड़ क्यों नहीं रहा। आप समझ रहे हैं ना सर? आप तो समझदार आदमी, समझाइए ना अपनी बेटी को, ऐसे नहीं होता। 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, नेताजी की साफ सुथरी छवि की धज्जियां उड़ जाएंगी। प्लीज सर, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ नेताजी की तरफ से, प्लीज समझाइए। और रही बात आपकी और आपकी बेटी की, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका और आपकी बेटी का हम पूरा ख्याल रखेंगे सर। आपके प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जा सकते हैं यहाँ से, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जाकर कह दीजिए मंत्री जी से, दिव्या केस वापस नहीं लेगी। दिव्या बेटा। नहीं पापा, इन लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए, जिनके लिए एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालना बहुत मामूली सी बात होती है। देखिए मेरा काम था समझाना, लेकिन अब इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे दिव्या जी।
सुबह से दूसरी बार धमकी सुन रही हूं मैं। जो करना है कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो जी में आए करो, यही कहा था ना उसने, यही कहा था ना उसने। जी जी, तो ठीक है, अब जो जी में आएगा वही करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो। मैंने एक पीरियड का एक्सटेंशन लिया हुआ है, एग्जाम सर पर है, तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी के दिमाग में कोई डाउट रहे। ओके मैम, हम 10 मिनट में लंच ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ मैम प्लीज। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और वैसे भी मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। हम तो यहाँ तेरे लिए आए हैं, बहुत पढ़ा चुके तू लोगों को, अब हम तुझे सबक सिखाएंगे। देखो मैं कह रही हूँ सही नहीं होगा, छोड़ो, बचाओ। कर, ये आखिरी बार है तेरी, क्योंकि इसके बाद हम तुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। कोशिश की या फिर ये बात बाहर गई तो याद रखना उसका मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। और तू केस वापस ले लेना। मैम
न्याय कर लो। मर्जी की तो हत्या भी नहीं किया अभी हमने। प्यार से बोल रहे, तेरे को एक मौका और दे रहे, केस वापस ले। क्या हुआ बेटे? बता बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं बताएगी बेटा? क्या हुआ? क्या? नहीं, 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 नहीं रोते बेटा। कुछ खा ले मेरे बच्चे। किसी और की सजा खुद को क्यों दे रही हो? अपने आप को संभालो और उन मुजरिमों को उनकी सही जगह दिखाओ। पहले मैं ही मना करता था तुम्हें इन चक्करों में पड़ने से, आज मैं ही कहता हूं उन दरिंदों को छोड़ना मत। तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है, तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारी लड़ाई में वही काम आएगा। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, उसके पहले कुछ जल्दी से खा ले मेरे बच्चे। पापा बिल्कुल भूख नहीं। मुझे भूख नहीं लगती थी तब तू मुझे छोड़ती थी। नहीं ना, चलो आज मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूं। वाले एक मेरा एक मक्का और एक बिटिया का। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में क्राइम अगेंस्ट वीमेन 2012 की अपेक्षा 43.6% बढ़ गए। अब तक दिव्या के पिता अपनी बेटी को रोकते ही आए थे, लेकिन अब उन्होंने दिव्या को अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद ही लड़ने को कह दिया था। दिव्या को एक लंबी लड़ाई लड़नी थी, और जब एक औरत अपने सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है तो बहुत ताकतवर हो जाती है। अब देखना यह था कि दिव्या अपनी लड़ाई कैसे लड़ती है। आपको खबर तो मिल चुकी होगी कि मैं यहां किस लिए आई, फिर भी आपके स्टेटमेंट के लिए बता देती हूं, आपके उन दोनों बच्चों ने मुझे मेरे क्लास से घसीट कर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के सामने मेरी मेरी साड़ी उतारी और खुली धमकी देकर गए हैं मुझे कि अगर मैंने उनके खिलाफ केस वापस नहीं लिया तो अगली बार इससे भी ज्यादा बदतमीजी करेंगे मेरे साथ। दिव्या जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, लेकिन आप इस बार भी मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने ही आई। आपने कहा कि ये सब कुछ स्टूडेंट्स के सामने हुआ, मतलब गवाह तो होंगे आपके पास? जी बिल्कुल होंगे, क्यों दिव्या जी? आप कॉलेज जाकर पूछताछ कर सकते हैं। आपकी दिव्या मैडम का यह कहना है कि दो लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और सबके सामने साड़ी भी खींची, क्या तुम लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ होते हुए देखा है? तो सामने आओ।
यार वीरू, तू तो था वहां, तो बताना इंस्पेक्टर को। अरे यार, वो लोग मेरे आते आते पहले ही निकल चुके थे। झूठ बोल रहा है तू, कोई जबान नहीं खोले। क्यों ना हम जाकर उन्हें बता दे। हाँ। नहीं यार, तब हम लोग वहां पर नहीं गए। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो ये केस दिव्या मैम के खिलाफ भी जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमारे न्यूज चैनल ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया, जिसमें दिनेश मिश्रा जी के बेटे और उनके भतीजे के खिलाफ यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर दिव्या शर्मा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसी मामले के तहत एक और तथ्य सामने आया है। दिव्या ने उन दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और केस फाइल कर दिया है। कितनी सच्चाई इन आरोपों के पीछे, जानने के लिए हम चलते हैं दिनेश मिश्रा जी के पास। देखिए, इस मामले में हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपके मीडिया ने इतना हंगामा मचा ही लिया है, तो हम आपको एक बात साफ बता दें कि ये इल्जाम बेकार और बेबुनियाद है। जिस दिन की वो लड़की बात कर रही है, जिस समय की वो बात कर रहे हैं, उस समय मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे और हम तीनों शिक्षा मंत्री योगेंद्र सचदेवा जी के साथ मीटिंग कर रहे थे। हम गाँव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना बना रहे थे। लेकिन मिश्रा जी, इतनी आग फैली हुई है कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी तो जरूर लगी होगी? वरना दिव्या जैसी एजुकेटेड और मॉडर्न लड़की क्यों सरेआम अपने इज्जत की धज्जियां क्यों उड़वाएगी? ये कोई नई बात नहीं है मैडम, हमने इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, इनसे भी ज्यादा सोच विचार वालों को सस्ते प्रचार के लिए इससे भी नीचे गिरते हुए देखा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है जैसा वो लड़की कह रही, वो भी इतने बड़े कॉलेज में दिन दहाड़े, क्या किसी ने तो देखा होगा? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये बात सच है तो आए कोई गवाह सामने। सच बात तो यह है मैडम कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मेरी छवि पर दाग लगाने के लिए ये विपक्षियों की साजिश है और कुछ नहीं। तो विपक्षियों की साजिश है ये कहना है दिनेश मिश्रा जी का इस केस के बारे में? वैसे हमने दिव्या से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, मगर वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। ब्रेक के उस पार देश विदेश की कई और खबरों के साथ, कहीं जाइएगा मत। हेलो हेलो दिव्या मैम, मैं कॉलेज से बोल रहा हूँ। अगर आप कॉलेज नहीं आ पाओगे तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक ठीक। क्या हुआ? किसका फोन था? कॉलेज से फोन था पापा। बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गई हूँ, तो वो कह रहे हैं कि तुरंत जॉइन करना होगा, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर तो तुम्हें कल से ही जाना चाहिए। पर बाबा। बेटा, तुम तो जानती हो यही तो हमारे जीने का सहारा है। नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा, मैं वहां किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। यही तो तुम गलत कर रही हो, यही तो वो लोग चाहते हैं और तुम उन्हें सच साबित कर रही हो, उन्हें जीत का एहसास दिला रही हो। खैर, नौकरी तो किसी और कॉलेज में मिल जाएगी, 1,000-5,000 कम ही सही, पर मैं चाहता हूं तुम इसी कॉलेज में जाओ, उन्हीं लोगों के बीच, और उन दरिद्रों को दिखा दो कि वो तुम्हें डराने में कामयाब नहीं हुए।
मिलके नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तुम लोग बैठो। आज हम सीखेंगे। ए, इतनी हंसी क्या छूट रही है? बाहर जाके हंसो, हमें डिस्टर्ब मत करो। और आराम से, ज्यादा लेडी झांगने की कोशिश मत कर, समझा? चल काम कर अपना। ओके, शांत हो जाओ। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? क्या देख के हंस रहे थे? कुछ नहीं मैम। दिखाओ। कुछ नहीं मैम, मैम आप देख नहीं पाओगे। मैम 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 रोते नहीं, अपने पापा को बताओ क्या हुआ। पापा उन लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाया, नायक नहीं छोड़ा पापा। पापा उस दिन जो उन लोगों ने मेरे साथ किया, वो किसी ने अपने मोबाइल में शूट कर लिया। क्या कह रही हो? कॉलेज के हर बच्चे के फोन में है पापा। क्या? पापा उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, बल्कि मुझे तो लगता है वो MMS हमारे फायदे के लिए बना है। क्या? जरा सोचो, आज तक कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं आया था, ये MMS हमारा सबसे बड़ा सबूत बन सकता है कि तुम्हारे साथ ही अत्याचार हुआ था। मैम, मैम आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बस आपकी परमिशन चाहिए। दिव्या के छात्रों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हुए ये वीडियो पूरे देश भर में फैला दिया और धीरे धीरे हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन गौरतलब बात यह थी कि उस वीडियो में सिर्फ वही हिस्सा था जिसमें दिव्या की साड़ी खींची गई थी, ना तो हमलावर की कोई तस्वीर थी, ना ही गवाह की। इसका अंजाम यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यह सब कुछ दिव्या ने सिर्फ सस्ते प्रचार के लिए किया था। क्या चाहती थी दिव्या? क्यों किया था उसने ऐसा? Excuse me. आप लोग? जी हाँ, मैं आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? लेकिन क्यों? आपको कुछ नहीं पता? अपनी अश्लील वीडियो बना के देश भर में फैलाना और समाज में अश्लीलता फैलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। जल्दी आइए। दिव्या जी, पहले आपने एक ईमानदार नेता के बेटे और भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट की और जब आपके सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हो गए तो आपने अपना ही अश्लील वीडियो बनाकर सारे कॉलेज के बच्चों में फैला दिया, वो बच्चे जो कि देश का भविष्य है। आखिर आप चाहती क्या है? हाँ बताइए मैडम, क्या चाहती है? मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि मैं क्या चाहती हूँ।
मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। कैसी गलतफहमी? आज तक मीडिया और पुलिस का यही मानना था ना कि मेरे सारे इल्जाम बेबुनियाद और बेकार है, तो ठीक है, आप लोगों ने वो MMS तो जरूर देखा होगा। जी देखा है। लेकिन वो MMS एडिट किया हुआ है। किया हुआ? जी हाँ, सच को छुपाने के लिए। पर अब जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, उस वीडियो में उस दिन का सारा हादसा कैद है। ये सारी बातें एक बहाना है वक्त को बर्बाद करने के लिए। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए, पहले वीडियो देख लेने दीजिए। मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। जरूर कीजिए, लेकिन ये वीडियो एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगा और उस दिन यही रिपोर्टर्स आपसे जरूर सवाल करेंगे। मैम आप वीडियो दिखाइए हमें। आपके बाद इस कॉलेज में तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की या फिर ये बात बाहर गई तो याद रखना उसका इससे भी बुरा हाल करूंगा मैं। आप देख सकते हैं इस MMS को, जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया है। MLA शुक्ला जिस हादसे को शुरू से बेबुनियाद साबित कर रहे थे, उस हादसे का पूरा सच अब आपके सामने। देर से ही सही मगर सच्चाई की जीत हुई। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने MLA मिश्रा जी के बेटे और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही दिव्या जी को उनकी शिनाख्त के लिए बुलाया जाएगा। क्या यही दोनों है? जी यही दोनों है वो तरिंदे। पांडे जी। जी सर। दोनों को डाल दो हवाला तुम्हें। रुको एक मिनट। दिव्या जी, दिव्या जी, बस 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 लेकर जाओ इन्हें। हम बार बार कहेंगे कि ये गलत फहमी है कि अमीर और ताकतवर लोग कोई भी जुर्म करके बच सकते हैं। आम लोगों का यह डर उन मुजरिमों के विश्वास को और ठोस बनाता है। दिव्या शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया कि हिम्मत के आगे दौलत की कोई औकात नहीं है। एक ईमानदार इंसान अगर अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा हो जाए तो हमेशा इतिहास बनाता है। रवि और मनीष को मोलेस्टेशन के लिए IPC की धारा 509, एसॉल्ट के लिए धारा 354 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए धारा 506 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। अपने पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए उनके पिता दिनेश मिश्रा को धारा 217 के तहत 2 साल की कड़ी सजा हुई। तो आपने देखी दिल्ली में औरतों पर शोषण की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। औरत को अपने सम्मान का पूरा अधिकार है, इसलिए आप अन्याय के खिलाफ खामोश मत रहिए, लड़िए। मैं लूंगा विदा आपसे आज, फिर मिलूंगा दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के पाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।